नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। मैं हूं विवेक लो और मेरे साथ है अनीशा नैयर धवन। चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। हमारे आज के मेहमान भी हैं विवेक महाजन, जो फंडामेंटल व्यू देंगे। ब्रजेश सिंह बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये चार्ट्स पर क्या दिख रहा है ये हमको बताएंगे। सबसे पहला सवाल लेते हैं, बीडी भाटिया का आया है जालंधर से। इनके पास एलएनटी के 45 शेयर हैं। भाटिया साहब, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ठीक ठाक जी। एलएनटी के आपके पास शेयर्स हैं? 45 शेयर हैं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। क्या इनका निकालने चाहिए कि आगे होल्ड करना चाहिए? विवेक, ये सवाल आपके लिए। 790 की खरीद है इनकी एलएनटी की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या किया जाए? देखिए, तो एक ही चीज में सम करना चाहूंगा एज फार एज एलएनटी इज कंसर्न को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टू रिमेन बरीसम, लेकिन फ्यूचर इज ब्राइट। एक्चुअली ये जो स्पेस है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेस, वी आर सीइंग प्राइवेट सेक्टर फेलिंग टू टेक ऑफ, which is taking a toll on the numbers. Not only that, hydrocarbon business is going through a challenging time, but we are seeing increasing traction, particularly from railways, particularly from urban infrastructure, which includes metro. And हमें लगता है कि L&T will be one of the bigger beneficiaries of defense focus of government of India. हमें लगता है कि earning growth of 15% is very much on card over next 2 years. Position बनाए रखिए। स्टॉक में 1400 रुपए की गुंजाइश हो सकती है एक साल में। ठीक है, होल्ड करिए पोजीशन को। ये एडवाइस है विवेक की एलएनटी पर। ये तो एक हैवी वेट है इंडेक्स पर। चलिए चलते हैं आशीष हमारे साथ, मुंबई चलते हैं जहां हमें आशीष फोन करें। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैंने एमटी एजुकेट लिए हुए 1000 शेयर्स लास्ट मंथ में लिए हुए मैंने। ठीक है, तो उसको होल्ड करना है। मैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, तो होल्ड करना है क्या वो मुझे बताइए। और मैंने डीबी रियल्टी लिए हुए मैम एट द रेट ऑफ 41 लास्ट मंथ, उसके भी 1000 शेयर्स लिए हुए हैं, तो उसको क्या करना है वो जरा मुझे आप बताइए। तो ये दोनों शेयर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, तो शॉर्ट टर्म में आप क्या रिटर्न ढूंढ रहे थे इन दोनों में? शॉर्ट टर्म के लिए मुझे किसी ने टिप्स दिया था कि आप ये ले लेंगे तो अच्छा है 2-3 महीने के लिए, तो वो हिसाब से मैंने लिए थे, लेकिन जब से मैंने लिए उसके प्राइसेस कम ही हो रही। अच्छा, पर 2-3 महीने के लिए कुछ आपको टारगेट्स दिए थे, कोई रिटर्न बताया था? रिटर्न ऑलमोस्ट 20% हाई होगा ऐसा बताया था मुझे। ठीक है, चलिए पता करते हैं विवेक से क्या उनका ओपिनियन है एमटी एजुकेयर पर और डीबी रियल्टी में। एमटी एजुकेयर में उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये छोटी एजुकेशन कंपनी है। और डीबी रियल्टी में मैं चेक कर लेती हूँ, उनकी खरीद 41 रुपीस में हुई है और ये स्टॉक अभी 36 पर है। क्या करना चाहिए इन दो स्टॉक्स के साथ? आपको लगता है कि अगर उनको शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिलता, तो ये दोनों स्टॉक्स लंबी ड्यूरेशन के लिए लिए जा सकते हैं? देखिए, पहले तो अगर हम एमटी एडिक्वेट की बात करें, द कंपनी कंटिन्यूस टू डिसअपॉइंट ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। इसका एक टाइम पर शायद ऑल टाइम हाई 150 रुपए का था, राइट नाउ कोटिंग एट 60 रुपीज। हमें लगता है कि द चैलेंज इज एज फार एज दिस बिजनेस इज कंसर्न कंटिन्यूस, एंट्री बैरियर इज नॉट देयर एंड दैट इज समथिंग विच इज टेकिंग ए टोल। हमें लगता है कि इसमें से पोजिशन में से एग्जिट करना चाहिए। एज फार एज अदर कंपनी इज कंसर्न, डीबी रियलिटी, उसमें भी जो रियल एस्टेट स्पेस है इज गोइंग थ्रू ए चैलेंजिंग टाइम। इश्यूज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू रेरा आर गोइंग टू सी दैट द ओनली फ्रंटलाइन क्वालिटी कंपनी सर्वाइव एंड देयर कुड बी लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच हैव टू शट शॉप। ये स्पेस में वुड लाइक टू रिकमेंड फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। हमें लगता है कि स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गो टू 650 रुपीज। रिकमेंड स्विच फ्रॉम डीबी रियलिटी टू फिनिक्स मिल्स। चलिए अब चलते हैं बड़ौदा, जहां से सुनील है फोन लाइन पर। सुनील, गुड मॉर्निंग। सुनील जी, साहब मेरे पास गो कार्बन 500 शेयर है जी, तो उसको क्या करूं? और जीएनएफसी 500 शेयर है 22 रुपए प्राइस के। और ये गोवा कार्बन कितने में खरीदा आपने? 96 में। 96 में, अरे अच्छी खासी बढ़त हो गई आपकी तो। हाँ राइट सर जी। तो इसको क्या करूं, होल्ड करूं क्या रखूं सर? जी ओके विवेक, 96 रुपए पे खरीदा इन्होंने गोवा कार्बन, अब 594 रुपए पे है ये शेयर। आज भी इनफैक्ट 5% अप है।
क्या किया जाए, ये जानना चाहते हैं कि क्या अब प्रॉफिट बुक करें कि और इसमें बने रहें। गोवा कार्बन ने सीन ए फिनोमिनल अपमूव। इट इज नॉट ओनली गोवा कार्बन, मे बी फिलिप्स कार्बन ऑल्सो हैज मूव्ड अलोंग विद दिस कंपनी। द इशू ओवर हियर इज इन चाइना वी आर सीइंग लॉट ऑफ प्रोडक्शन कट विच इज गोइंग इन फेवर ऑफ इंडियन कंपनीज। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट रिसेंटली इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज टायर। दैट शुड अगेन सी टू इट दैट द डिमांड फॉर कार्बन ब्लैक रिमेन्स रॉबस्ट। गोवा कार्बन रिसेंटली रिपोर्टेड 7.5% ग्रोथ इन डिस्पैचेस लास्ट मंथ। हमें लगता है कि पोजीशन बनाए रखिए इसमें, अभी भी फर्दर अपसाइड नॉट रूल्ड आउट। दिस स्टॉक इज अ पोटेंशियल टू गो टू 750 और देयर अबाउट। ठीक है, तो होल्ड करके रखिए, ये एडवाइस है गोवा कार्बन के लिए। चलिए अब एक SMS लेते हैं जो हमें संजय सिन्हा से मिला है। उनके पास नैल्को के शेयर्स हैं 500 शेयर्स जो उन्होंने 81 रुपीस में लिए हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि सारी मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है, स्पेशली फेरस स्पेस में। पता करते हैं कि इस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए। विवेक, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लिया है, रिसेंटली उन्होंने बाइंग की है। आप क्या एडवाइस करेंगे? शॉर्ट टर्म में हो सकता है मेटल स्टॉक्स में अच्छा उछाल देखा जाए, इनको अच्छे रिटर्न मिले, पर क्या ये स्टॉक कोई अपने कोर पोर्टफोलियो में भी रख सकता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि अगर ग्रोथ रिवाइवल होता है, ग्लोबली भी हम देख रहे हैं ग्रोथ अच्छी है, तो मेटल की स्टॉक्स की शेयर प्राइसेस ऊपर ही जाने चाहिए। आप क्या एडवाइस करेंगे? आपने एक बहुत सही बात कही कि यस, ग्लोबल ग्रोथ बहुत अच्छी है, वी आर सीइंग द डोमेस्टिक डिमांड ऑल्सो अपटिक कंटिन्यूस, और साथ में लॉट ऑफ चाइनीज कंपनीज पर्टिकुलरली विच आर पॉल्यूटिंग और स्मॉल कंपनीज दे हैव शट शॉप बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। हमें लगता है कि द एल्यूमिनियम एंड फेरस मेटल बोथ शुड बी सीइंग ए अपटिक। एज फार एज नाल्को इज कंसर्न, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, it had seen a lifetime high of 141 rupees, thereafter it had been struggling a lot. Hame lagta hai ki again time has come as far as Nalco is concerned to perform. Stock has a potential to go to 100 plus, position banaye rakho. Definitely it is not a portfolio stock or long term stock, you will have to be on top of the company to see how the performance is changing quarter on quarter, but the stock definitely can go to 3-digit mark. चलिए, ब्रजेश सिंह भी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ टेक्निकल चार्ट्स पर। ब्रजेश, सबसे पहले आपकी राय लेते हैं, आज 10,000 पार किया निफ्टी ने, क्या लेवल्स देख रहे हैं अब आप सपोर्ट के? गुड मॉर्निंग विवेक जी, अनिशा जी, देखिए ओवरऑल तो अब तेजी बनी रहेगी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिहाज से। जिस हिसाब से निफ्टी ने 9685 जो है उसका स्विंग लो था उसको रेस्पेक्ट करके जो बाउंस बैक दिया है, और 9930 1940 दैट वाज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, उसको स्मूथली क्रॉस किया, तो वो इंडिकेट करता है कि ये वीक या हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको एक नया 52 वीक टॉप आता हुआ दिखे। फिर भी मेरा मानना यही है कि अगर नीचे में अगर कोई मान के चलो अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो इमीडिएट बेसिस पे आप 9930 को आप सपोर्ट मान के चलिए, और डीपर सपोर्ट समवेयर 9800 के आसपास में आएगा। ऊपर की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वंस निफ्टी एबल टू क्रॉस 10,120 तो वी आर रेडी फॉर द न्यू 52 वीक टॉप। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था कि 10,400-10,450 का जो लेवल है तो टाइम साइकिल सीरीज के अनुसार नवंबर के मंथ में देखने को मिल जाता है, हो सकता है कि वो एक बार डिस्काउंट होकर ये महीने में आपको देखने को मिले। चलिए एक और सवाल लेते हैं, हमारे दर्शक हैं विक्रम सिंह जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विक्रम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विक्रम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप जरा टीवी कम कर दीजिए तब आपको ठीक से सुनाई दे पाएगा। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं आवाज कम कर दिया। मेरे पास लुपिन है, 30 शेयर 1,090 बाइंग है जी, तो इसको मैं नेक्स्ट 6 महीने की होल्ड रखना चाहता हूँ। ओके ब्रजेश, लुपिन चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है आपको? 1,030 के आसपास में लिया हुआ है। 1,090 ओके, see any dip should be used for a buying purpose.
somewhere around the stock has given bounce back from a level of 880 or 890 और जिस हिसाब से मूवमेंट दिखा रहा है वो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि रिवर्सल एक बार आपको 1200 का भी लेवल देखने को मिले। मेरी सलाह यही रहेगी कि कोई डिप अगर आता है 1000 के आसपास में या 1010 के आसपास में तो एक बार आप एक्यूमुलेट करें स्टॉक को सो देट योर कॉस्ट प्राइस विल बी कमिंग डाउन एंड कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 950 फॉर अ शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म जो स्विंग लो बना था 890 का आप उसको रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि एक बार चार्ट के अनुसार आपको 1140 से 1150 पहला फॉलोड बाई 1220 और अगर व्यू थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो 1520 और 1540 तक भी जा सकता है। एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंडेड किया हुआ है। आईपीओ मार्केट की बात करते हैं, आज एक नया आईपीओ खुला है और वो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का IEX। ये एक एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी है, प्राइस बैंड है 1645 से 1650 रुपीस का। इस आईपीओ के बारे में बात करने के लिए और कंपनी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास है मिस्टर SN गोयल, MD एंड CEO ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मिस्टर गोयल जी, बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर गोयल, मुझे जितना समझ आ रहा है कि कंपनी में आईपीओ से कोई पैसे नहीं आएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक एग्जिट ले रहे हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आईपीओ में पैसे लगाना चाहती हूँ, तो मैं इस आईपीओ में पैसे क्यों लगाऊँ? आपकी कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, आप मुझे कुछ बताएंगे आपके मार्जिन्स कैसे हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ एनर्जी ट्रेड करते हैं तो मार्जिन एक्सपेंशन का क्या स्कोप है? ट्रेडिंग में तो मार्जिन स्लिम ही रहते हैं, जबकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। See, we are operating in the power market and if you look at the growth in the power sector, the growth is very high. Demand is growing in the country. With the conducive policies of the government, there is a big growth in the demand. And fortunately today we have large generation surplus capacity available in the country, a strong transmission system, robust transmission system which has been created by Power Grid, ensuring flow of power from north to south and east to west. Right, Mr. And Goyal, these are the basic enablers for development of it. Mr. Goyal, if you can just tell us how much of an increase in volumes are you expecting? While it's great to have more reform in the energy sector, why should traded energy increase? Because the trend so far has been of long-term contracts with distribution companies. Is that changing? What kind of increase are you expecting in the volumes you will handle, and how will that impact your margin? See, we in the last 4 years we have seen a volume growth of more than 15% on CAGR basis. This volume growth has happened in spite of the fact that initially we had shortage of power in the country and subsequently we had transmission congestions. Fortunately today these enablers are in place and there is a lot of variation in the demand of the distribution companies because of the seasonal variations, because of the during the day peak hour high demand, evening hours the demand is, night hours the demand is less. So distribution companies can efficiently manage this demand through the exchanges. World over the practice has been exchange transactions are significantly higher. These are in the range of 30% to 70%. In India today we are doing only 3.6%. I think we are at the nascent stage now. The growth phase has started now and in future we should see good growth. So can you please give some details of your margins? What are they now? By how much will they increase? And what is the cash generated by the company as of now? We charge trading margin of 2 paisa from the buyer and 2 paisa from the seller on each unit of electricity. This is not dependent on the price of electricity, which is cleared on the exchange platform. And our margins, total revenue consists of three components. One is a transaction fee, other is annual fees, and third is the treasury income. Transaction fee constitutes almost about 75% of the total revenue, and I am sure this is going to grow in future. As far as the profit is concerned, it's almost about 48-49% of the total revenue. So we are enjoying a EBITDA margin of almost about 75%.
All right. Thank you so much, Mr. Goyal, for speaking with us at Zee Business and detailing for our viewers the performance of the company and the strengths of the company. So Mr. Goyal ये बता रहे थे कि आगे चल के energy exchange जो trading होगी power की वो बढ़ने वाली है. India में average काफ़ी कम है, 3-5%, और globally ये average 30-35% है, क्योंकि government सरकार power sector में ज़्यादा reform लेके आ रही है. Trading बढ़नी चाहिए. ये ध्यान रखें सारे व्यूअर्स की उनकी EBITDA मार्जिन 75% तक है, प्रॉफिट मार्जिन 48-49% है. तो आगे चलकर हम जी बिजनेस पे एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे कि इस नए IPO के साथ क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए छोटी ड्यूरेशन के लिए, लिस्टिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर से बात करते हैं. हमारे पास कोलकाता से कॉलर जुड़ रहे हैं. गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका. गुड मॉर्निंग, मेरे पास ITC के 100 शेयर है जिसे मैंने 268 पे बाई किया है. ठीक है. और पटेल इंजीनियरिंग के 100 शेयर है जिसे मैंने 100 रुपीज पे बाई किया. ठीक है. आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोनों शेयर्स में? एक्चुअली जैसे सजेस्ट मिलेगा मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म भी निकाल सकता हूँ, बट इट डिपेंड की क्या सजेशन मिलता है. ठीक है. चलिए पूछते हैं क्या करना चाहिए इन दो शेयर्स के साथ. ब्रिजेश आप बताइए, ITC वैल्यूएशंस पे काफ़ी रीजनेबल लग रहा है और काफ़ी लोग इनको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखते हैं. पटेल इंजीनियरिंग का क्या करना चाहिए, क्या वो भी आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स इन दोनों स्टॉक्स में? पहले अगर हम ITC की बात करें तो 255-250 वुड बी द सपोर्ट एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आई सजेस्ट हिम टू होल्ड ऑन. और अगर चाहें तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लें. 275-280 वुड बी एक्टिंग एज अ माइल रेजिस्टेंस एनी हाउ. अगर क्योंकि मीडियम टर्म का व्यू ये है कि वो क्रॉस होता हुआ दिखेगा आपको, और मेरा मानना ये 320-325 के लेवल आपको एक बार देखने को मिल जाएंगे मीडियम टर्म के लिहाज से, तो ITC में बने रहने की सलाह रहेगी. दूसरा आपने कहा पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग ऑन अ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म चार्ट इट हैज फॉर्म अ हायर लोस फॉर्मेशन विच इज गिविंग अ पॉजिटिव साइन एंड इवन 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 75. तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड करना है तो आप 72 रुपया और 73 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चले. 82-83 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, सिंस 82 इज अ 200 सिंपल मूविंग एवरेज, तो एक वो रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा. और एनी हाउ वो अगर वो क्रॉस होता हुआ दिखता है तो आपको ये स्टॉक लगभग 90-95 रुपए तक भी का भाव आपको एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में दिखा सके. तो बने दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की ही सलाह रहेगी. चलिए अब किरण जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर. किरण नमस्कार, गुड मॉर्निंग किरण. चलिए किरण से संपर्क नहीं बन पा रहा है. उनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 600 शेयर्स हैं, 250 के लेवल पर लिए हैं. विवेक क्या कहेंगे SBI पर? SBI recently announced a merger with their associate banks. We have seen post the merger, the asset quality has deteriorated further. There is muted loan growth and the NPA issue refuses to go away. Optically, the stock looks steep, which is trading at 1x price to book 2019 earning. Lekin hame lagta hai ki ye stock kahin jaane nahi wala hai. It will continue to struggle. It is better you switch from State Bank of India to either RBL or Edelweiss. Both have a potential to deliver 30-35% return over next 1 year. ठीक है. चलिए अब चलते हैं हम बेंगलुरु. हमारे पास हमारे नेक्स्ट कॉलर है स्वरलिपि. स्वरलिपि गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या सवाल है आपका. मेरे पास हिंडालको के शेयर्स हैं, 103 शेयर्स एट 245 रुपीज, और मेरे पास डिश टीवी के शेयर्स भी हैं 343 शेयर्स एट द रेट ऑफ 81. इन दोनों में मुझे 1 year का टारगेट क्या होना चाहिए वो पता करना. ठीक है, पता करते हैं क्या करना चाहिए इन दो शेयर्स के साथ. डिश टीवी जो उन्होंने 81 रुपीज में लिया है, और हिंडालको जो उन्होंने 245 रुपीज में लिया है. विवेक हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हिंडालको ने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया है, पर हमारे इन्वेस्टर सिर्फ 1 साल के लिए ही रखना चाहते हैं हिंडालको को और डिश टीवी को.
देश टीवी तो डिजिटाइजेशन से बेनिफिट कर ही रहा है, पर प्राइस मूव थोड़ा स्लो रहा है। एक साल में क्या टारगेट्स देंगे आप हिंडाल्को को और डिश टीवी के लिए? देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, हिंडाल्को बीइंग ए ग्रुप कंपनी, आई विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। एज फार एज डिश टीवी इज कंसर्न, वी बिलीव द कंपनी इज लाइकली टू बी वर्स्ट इम्पैक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम जियो। आई बिलीव इट विल बी प्रूडेंट कि आप डिश टीवी से बाहर निकल जाइए। यू आर नॉट गोइंग टू मेक टू बिग ए रिटर्न, इधर गोइंग टू फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस, सीमेंट में वी लाइक OCL एंड बिरला कॉर्प, इन बैंकिंग स्पेस वी लाइक RBL एंड एडलवाइस। चलिए, हमारे दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रिजेश आपका भी और विवेक महाजन आपका भी।